जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमने देख लिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स को एकदम डिटेल में, ठीक है। ये उसका सेकेंड पार्ट है, इसमें हम किस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू ICU ICCU NICU इन इमरजेंसी वार्ड, मतलब हम पहले ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन किस में देख चुके थे। जैसे मान लेते हैं कोई वार्ड में हमें ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसे भी हम एकदम से डिटेल में देख चुके थे। आज हम उसमें क्या क्या देखे थे, इनडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट को हमने डिटेल में कवर कर चुका है, ठीक है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट डेवलप होगा और सिक्वेंस देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। यदि आता है तो कोई टेंशन नहीं, हम इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किसको पढ़ेंगे, ICU ICU NICU इमरजेंसी वार्ड को एकदम डिटेल में देखने वाले। अब सुने होंगे जैसे कोई पर्सन रहता, कहते हैं हमारे वो गांव के एक लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, उन्हें ICU में भर्ती कर दिया गया, ऐसा सुने होंगे कि नहीं। तो उसमें ड्रग्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता उसे हम देखने वाले हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट में लिखा है देयर आर स्पेशलाइज हॉस्पिटल यूनिट यानी रिजर्व फॉर पेशेंट विथ लाइफ थ्रेटनिंग एलाइनमेंट हु रिक्वायर क्लोज मॉनिटरिंग एंड एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट। कहने का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल के अंदर एक रिजर्व यूनिट होती है, रिजर्व मतलब एक स्पेशल यूनिट बना दी जाती है, जो भी तुम्हारे पास क्रिटिकल केस आता है उनके लिए एक स्पेशल एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते हैं उन्हें रखा जाता है और प्रॉपर उन्हें केयरिंग की जाती है, जिससे वो जल्दी से जल्दी क्या हो गए रिकवर कर सकते। इसमें उन्हीं को रखा जाता है जो ज़्यादा केयर, ठीक है, सुरजन जो ज्यादा क्या कर रहते हैं यानी क्रिटिकल रहते हैं, उन्हें यहां पर इस पे रखा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें यहां से देखना, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल हैं, जैसे तुम्हारे पास एक यूनिट होती है ICU, ICU का नाम सुने होते हैं, जिसका शॉर्ट में क्या बोला जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या बोला जाता है, इंटेंसिव केयर यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है आल्सो रिफर टू एज एक्सटेंसिव थेरेपी यूनिट, यानी इसे देखो ICU को दूसरे नाम से जाना जाता है, इंटेंसिव थेरेपी यूनिट, या हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिव थेरेपी यानी ट्रीटमेंट यूनिट बोल सकते हैं, या तुम्हारे पास क्रिटिकल केयर यूनिट जिसे हम शॉर्ट में CCU भी बोलते हैं। मतलब ICU के इतने नाम से जाना जाता है, 1 2 3 से नाम से जानते हैं, ठीक। अब कुछ भी करिए उससे लेना देना नहीं, मगर आपको क्या कर देना अच्छे से, यहां किसी को यदि मान लें किसी नाम से आए तो ICU को आपको डिफाइन करना रहेगा। फिर इसमें क्या लिखा, ICU इज स्पेशल डिवीजन फॉर क्रिटिकल इल पेशेंट हु रिक्वायर एक्सटेंसिव केयर इन कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग। कहने का मतलब ICU तुम्हारे पास एक स्पेशल डिवीजन होता है और क्रिटिकल यूनिट होती है, क्रिटिकल यूनिट मतलब जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जिन्हें ज्यादा ज्यादा क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है मेडिसिन की, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारा क्रिटिकल होता है, यदि उन्हें प्रॉपर इंटेंसिव केयर दिया जाए और मॉनिटरिंग नहीं की जाए तो क्या होगा, इनकी डेथ हो सकती है, ठीक। इसीलिए उन्हें क्या ICU में रखना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये था ICU के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है ICCU, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट बोलते हैं। मगर इसमें क्या होता है, जो पर्सन को हार्ट जैसी प्रॉब्लम रहती है, हार्ट जैसी प्रॉब्लम रहती है, उसको इसमें यानी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज, मतलब ICCU को हम क्या बोलते हैं, मगर याद रखना भाई ये जितना नेम हम क्या कर रहे हैं फुल नेम लिख रहे हैं, इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक नंबर से दो नंबर में आपको बोर्ड में ऐसे एज इट इज पूछ लिया जाता है। लिखा है आल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट बोलते हैं। कार्डियक मतलब हर्ट होता है, मतलब इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट मतलब एक स्पेशल तरह की यूनिट बना दी गई है, जिसे हर्ट के जितने भी पेशेंट रहेंगे उसको उसमें केयर किया जाएगा, ठीक है, उसमें उसी को केयर किया जाता है। तो इसके बारे में वहां लिख रखा, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा ICCU इज ए फैसिलिटेटेड डेट स्पेशलाइज इन अब द प्रोवाइडेड इन यानी इंटेंसिव केयर फॉर पेशेंट विद द हार्ट कंडीशन। अब मान लेते किसी के हार्ट कंडीशन के अब नॉर्मल हो, जैसे तुम्हारे पास कोरोनरी ठीक है हार्ट डिजीज होता है, या तुम्हारे पास क्या होता है कार्डियक डिसरेदमिया होता है, डिसरेदमिया उसमें भी एक किया यूज जाता है इसमें रख के, ठीक है। और क्या होता है हार्ट अटैक किसी का होगा तब भी, हार्ट डिजीज आता है तब भी इसमें हम क्या कर देते हैं, हम डिजीज को मतलब ये सब जो यूनिट होती है इसमें केवल और केवल उसी पर्सन को रखा जाता है जिसे हार्ट से प्रॉब्लम उन्हें डिजीज प्रॉब्लम रहता है और क्रिटिकल केस रहता है तब इसमें उन्हें रखा जाता है। तो ये चीज तुम्हारे वहां से दे रखा है एकदम कायदे से,
ठीक, ये था किसके बारे में, याद रखिए फुल नेम याद रखिएगा, फुल नेम यदि याद रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा से काम हो जाने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर ये दे रखा है और निस्ट हमें दे रखा है NICU। NICU मतलब क्या सुनेंगे, जैसे उनका भी सुने होंगे कि अभी बेबी हुआ, ठीक है, बेबी हुआ बहुत क्रिटिकल था, उन्हें NICU में रखा गया। ठीक, मतलब इसमें न्यू बर्न बेबी को, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें इनमें रखा जाता है। तो NICU में क्या होता है, नियोनेटल और न्यू बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। क्या होते हैं, न्यू बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, आल्सो कॉल्ड एज इंटेंसिव केयर नर्सरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ICN बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ICN बोलते हैं, इंटेंसिव केयर नर्सरी बोला जाता है। ठीक, तो इसके बारे में यहां से दे रखा। फिर नेक्स्ट दे रखा है NICU क्या होता है, NICU इज एन इंटेंसिव केयर यूनिट दैट इज डेडिकेटेड टू द केयर ऑफ सिक या आपका प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी, मतलब उन्हें ये देखो NICU में किसे रखा जाता है, जो तुम्हारे पास डेडिकेटेड छोटे छोटे बेबी रहते हैं, ठीक है, उन्हें केयर किया जाता है। और क्या होता है, वो सिक रहते हैं, चाहे बीमार रहते हैं, चाहे तुम्हारे प्री नेटल नवबर्न डिजी बेबी, मतलब अभी जो पैदा हुए हैं उन्हें बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ठीक, कोई डिजीज हो सकती है या अभी उनका पूरा टाइम नहीं हुआ है, ठीक, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो उनमें कहां रखा जाता है, उन्हें NICU के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, NICU के अंतर्गत रख दिया गया उन्हें। और लास्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास आ जाता है किसके बाद, इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी वार्ड में किसे रखा जाता है, जो भी तुम्हारे पास जैसे लड़ भिड़ के आता है तो उन्हें पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जाती है, जैसे ब्लडिंग ज्यादा हो रही है, ठीक, तो उसे ब्लड को रोका जाएगा। ठीक है, तो यानी जो आते हैं उसमें इन्हें रखा जाता है। इमरजेंसी वार्ड में क्या लिखा है, आल्सो कॉल्ड एज इंसिडेंट, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं, इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट इमरजेंसी रूम बोलते हैं, मतलब तुम चाहे इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलो या इमरजेंसी रूम बोलो, तो इसे एक्सीडेंट मोस्टली एक्सीडेंट केस में आते हैं या किसी को हार्ट प्रॉब्लम तगड़ा हो गया तो इसमें भर के इसमें करके तुरंत इसमें क्या होता था, ICU में ट्रांसफर कर दिया जाता। लिखा द इमरजेंसी वार्ड इज ए, ठीक है, इज ए मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी डैट स्पेशली, ठीक है, इन इमरजेंसी मेडिसिन, मतलब क्या होता है, इमरजेंसी वार्ड के देखा जाए तो छोटा सा उनका भी एक मेडिकल स्टोर होता है, छोटा सा ही होता है, मगर उसमें यही मेडिसिन रखी जाती है जो बहुत ही क्रिटिकल केस पे यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब उसे हम इमरजेंसी ड्रग्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी इमरजेंसी ड्रग्स आती हैं, ठीक है, यहाँ पर रखा जाता है। पेशेंट हु हैव द अराइव विदाउट एन अपॉइंटमेंट, मतलब इसमें क्या कर दिया जाता है, ऐसा कि नहीं तुम्हें जाओ बाबू वहाँ लाइन लगाओ, फिर लगा के लाइन आओ तो तुम्हें देखा जाएगा, तो इमरजेंसी नहीं हुई, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, इस पेशेंट को विदाउट अपॉइंटमेंट, मतलब बिना अपॉइंटमेंट के सीधे वहां तो तुम इंटर करे जाओ, ठीक है, इंटर कर जाओ, वहां पर तुम्हारी दवा होगी और तुम्हारे साथ जो आए रहेंगे पर्सन वो जाके पर्ची वगैरह जो भी यानी आपका प्रोसीजर रहेगा हॉस्पिटल का वो वहां पर आराम से करा सकते हैं। तो ये इमरजेंसी वार्ड के बारे में था। इमरजेंसी वार्ड में वही रखा जाता है जो तुम्हारे पास बहुत क्रिटिकल और बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा इफेक्टिव, मोस्टली इसमें जानते हो क्या होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इस डिपार्टमेंट में ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में कैसे किया जा सकता है। देखिए, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस डिपार्टमेंट, सबसे पहले क्या होता है, इन दिस यूनिट ड्रग्स आर अवेलेबल ऑलरेडी, मतलब इस यूनिट में ऑलरेडी से क्या होती है, ड्रग्स अब उपलब्ध रहती है। ऐसा नहीं इमरजेंसी कोई पर्सन आया तो हम गए उसे क्या आने जल्दी से मेडिसिन आने गए, तो ऐसा होना इसमें नहीं होता। ठीक है, लिखा सम सर्टेन ड्रग्स लिमिटेड ड्रग्स आर स्टोरेज, जैसे क्या होता है यहाँ पर लिमिटेड ड्रग, ऐसा भी नहीं कि गांज के रखेंगे, जो लिमिटेड ड्रग्स होती है उसे रखते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, IV सोल्यूशन हो गया, कार्टन हो गया, बैंडेज हो गया, जो भी चीज प्रोसीजर का सामान होता है टाका वगैरह का उसे रखा जाता है। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीज रखी जाती है। और लास्ट में इमरजेंसी ड्रग्स में मोस्टली क्या कर दिया जाता है, जो भी इंजेक्शन रहता है, ठीक है, इंजेक्शन रहता है उसे रखा जाता है, जैसे ट्रोपिन देखेंगे, ठीक है, ट्रोपिन रहता है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या रहता है, जैसे बहुत सारे ऐसे चीज आते हैं, ठीक है, जो इसमें रखे जाते हैं। अब मोस्टली किसके फॉर्म में होते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में ये होते हैं। तो इस डिपार्टमेंट ये सारी दवा आपको क्या कर दी थी, उपलब्ध कराने की मिलती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।